हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुई। तो आज के इस वीडियो में बात करने फायर नेम एडिटिंग वाला VFX वीडियो के बारे में बात करें, जो कि टिकटॉक पर काफ़ी तेज से इस समय वो जो फायर नेम वाला वीडियो काफ़ी तेज वायरल रहा है। उसमें कमेंट में जाकर पड़ेगा तो बहुत हज़ारों कमेंट्स पड़े हैं कि भाई हमारा नेम का बना दीजिए, हमारा नेम का बना दिए। ताज इसी का ट्यूटोरियल को लेकर कहकर ऐसा नेम आता एनिमेशन वाला, आप सिर्फ एक मिनट में कैसे बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ काइन मास्टर से, ठीक है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में काइन मास्टर नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। काइन मास्टर प्रोमो का बिना वाटरमार्क का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन का, तब उसके पास उससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि हम जब भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आए उसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। और जानते हैं कि ऐसा भी वीडियो हम हमेशा लेकर आते ही रहते हो, तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं अपने स्मार्टफोन को काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। 1 2 3 कम ऑन, तो सिंपली क्या जाके अपने मोबाइल के स्क्रीन में, मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद ये जो प्लस का आइकन दिखा रहा है, प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लेने के बाद इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ से जो मीडिया वाला ऑप्शन दिखा, मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करके आप कोई सा बैकग्राउंड एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसी बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर लिया, इसका साइज कुछ इस प्रकार से 12 कर देंगे। और फिर यहाँ से जो कलर वाला ऑप्शन दिखाई दे, कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम रेड कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से डन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए, फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ऐसे आएंगे, फिर इसको यहाँ से डाउन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ऐसे आएंगे और यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन दिखा दिया, लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट वाला ये जो टी वाला ऑप्शन दिखा दिया, इस पर क्लिक करके अब जो कुछ भी लिखना चाहते हैं उसको पहले लिख लीजिएगा। जो भी इमोजी कुछ लगाना चाहते हैं तो आप इमोजी पहले लगा लीजिएगा, ठीक है। तो हम इमोजी लगाना चाहते हैं दिल का फोटो, ठीक है, तो हम दो दिल लगा लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमको इस दिल के अंदर कुछ हमको लिखना है, ठीक है। इसके अंदर हम अपना नाम लिखेंगे। तो फिर ये जो टेक्स्ट वाला ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से लिखने का वाला ऑप्शन आएगा, तो फिर इसके बीच में क्लिक करके आपको जो कुछ भी लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। तो हम लिख ले रहे हैं टेक्निकल सुजीत, ठीक है, अपने चैनल का नाम लिख ले रहे हैं टेक्निकल सुजीत। लिख लिया टेक्निकल सुजीत, लिखने के बाद फिर यहाँ से ओके वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे, सॉरी, तो हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, तो इसको कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेंगे और यहाँ से ये जो ए वाला ऑप्शन डबल ए दिखाई दे, इस पर क्लिक करके इसका फंड कुछ चेंज कर लेंगे। यहाँ से जो भी फंड अपना लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो हम ये वाला फंड को यूज कर लेंगे, इस पर क्लिक कर दिए और फिर यहाँ से डन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। और इसका भी कलर आप रेड कर लीजिए, ये जो कलर वाला ऑप्शन दिखाई दे इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से रेड कलर ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम रेड कलर सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर से यहाँ से स्क्रॉल करके हम नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यहाँ से बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो हम इनेबल कर दिए, इनेबल करने के बाद फिर ये जो ऑप्शन दिखाई दे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड ब्लैक सेलेक्ट कर लिए और इसका साइज ये जो दिखाई दे इसको फुल कर देंगे यहाँ से। तो चलिए हम इसको फुल कर दिए, फुल करने के बाद फिर यहाँ से हम डन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दे, यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। और इसके नीचे भी कुछ अपने लिखना चाहते हैं स्मार्ट बॉय या कुछ भी वो भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम डन पे क्लिक कर दे रहे हैं, क्लिक कर दे और इस ये जो टेक्स्ट लिखे हैं इसका साइज कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड जितना किए हैं उसी प्रकार से इसको भी इक्वल पार्ट में कर दीजिएगा। फिर यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने का फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने में जो टेक्स वाला ऑप्शन दिखाई देती है इस पर क्लिक करके यहाँ से कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय लिख लिया। यहाँ से फिर से ओके वाला जो ऑप्शन दिखा दे, ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम ओके पे क्लिक कर दे, ओके पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ से इसका भी फंड आप चेंज करना चाहते हैं तो ये जो लिख कर आया है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो अपना फंड लगाना चाहते हैं उसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद इसका भी इसका कलर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसी भी जो टेक्स्ट लिखे हैं इस पर, तो इसी पर क्लिक कर कीजिएगा, ठीक है, इस पर क्लिक है, ठीक है। और यहाँ से ये जो कलर वाला ऑप्शन दिखा रहा है, कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका ब्लैक कलर करेंगे। जो ब्लैक वाला ऑप्शन दिखा रहा है ब्लैक, इसको ठीक है ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। जो देख रहे हैं स्मार्ट बॉय जो है ब्लैक में लिखा गया, ठीक है, और यहाँ से फिर से डन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से डन पे क्लिक कर दिए, इसका भी साइज कुछ इस प्रकार से 12 कर देंगे, ठीक है, बैकग्राउंड इतना, ठीक है। तो हो गया, फिर यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे।
क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर से इसको पहले सेव कर लेंगे, जो शेयर वाला ऑप्शन देखा शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ओपन होकर आते हैं। यहाँ से 100 HD 720 पर करके इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये सेव हो जाता है गैलरी में। तो हमारा वीडियो जो सेव हो गया, सेव हो जाने के बाद इसको बैक करते हैं, इसे बैक चलेंगे, इसको फिर से बैक चलेंगे। फिर यहाँ से तो फिर से यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लेने के बाद इस प्रकार से ओपन होकर ये जो मीडिया वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिर से मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से फायर आग वाला जो वीडियो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम डाउनलोड करके रखे उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ से डाउन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिए। फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर लिया। फिर यहाँ से मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी को ओपन कर लेंगे और यहाँ से जो भी टेक्स्ट आप लिख करके सेव किए उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम लिख कर अभी सेव किया, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर से यहाँ से स्क्रॉल करके हम नीचे चलेंगे। नीचे जाने के बाद आपको दिखाई दे क्रोमा की का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इनेबल कर देंगे, ठीक है, इनेबल कर दिया। और इसको आप अच्छे तरीके से इन दोनों के हेल्प से अच्छे तरीके से आप बैकग्राउंड को जो है रेड कलर का रिमूव कर दीजिएगा। फिर यहाँ से डाउन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ऐसे आएंगे और अगर आपको ये जो है आप कहीं मतलब सेव करना चाहते हैं, आप जिधर चाहते हो उधर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहीं बीच में रहने देते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ही, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट करने के बाद फिर यहाँ से डाउन पे क्लिक कर देंगे। डाउन पे क्लिक कर दिए, फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसे आएंगे और इसमें जो भी अपना साउंड ऐड करना चाहते हो उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गैलरी को ओपन कर लेंगे। और ये जो साउंड जो है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहाँ से चाहे तो उस साउंड को डाउनलोड करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम उसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, यही जो हमारा साउंड है उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेंगे बाद ये जो अगर आपका पूरा ओल्ड वर्जन होगा काइन मास्टर, तो यहाँ से कैंची पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको दे रहा होगा एक्सट्रेट एडियो का ऑप्शन, ठीक है, तो आप वहाँ से एक्सट्रेट एडियो यहाँ से कर लीजिएगा। अगर अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है तो यहाँ से बैक चलेंगे। बैक चलने के बाद फिर से यहाँ से स्क्रॉल करके हम नीचे चलेंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से आपको दे रहा होगा एक्सट्रेट एडियो का ऑप्शन, देख सकते हैं। यहाँ से एक्सट्रेट एडियो पर क्लिक करके इसका साउंड जो है बाहर निकाल लेंगे और इस वीडियो को यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। तो हमारा वीडियो बन के तैयार हो गया। फिर ये जो साउंड वाला ऑप्शन जो दिखाई दे इस पर क्लिक करेंगे और इसके इंड पॉइंट पर आ जाएंगे। फिर यहाँ से जो फायर वाला जो वीडियो इस पर क्लिक करके इसको इक्वल भाग में कॉटिंग करेंगे। तो ये जो कैंची वाला आइकन दिखाई कैंची पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रिम टू राइट प्लेट पर क्लिक करके इक्वल भाग में कॉटिंग कर देंगे। तो जो हमारा वीडियो है बन के तैयार हो गया। वीडियो बन के तैयार हो जाने के बाद ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से एडियो फीड आउट को ऑफ कर लीजिएगा। तो हमारे में ऑटोमेटिक ऑफ है, ठीक है, और फिर यहाँ से डन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दे और इस वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए जो शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 720 में करके इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।